दोस्तों अगर आप भी मोहित शर्मा और पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का सबसे खतरनाक मुकाबला गुजरात और लखनऊ की टीम के बीच में खेला गया। अपने अंतिम ओवर तक गया मुकाबला और कैसे मोहित शर्मा ने इसे जिताया, आपको इस वीडियो में पूरा अंतिम ओवर और मैच के हाईलाइट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, केएल राहुल और धोनी में बेहतर कौन, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का तीसवां और एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर तक बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम वाकई में इस मैच को जीतने जा रही है। दोस्तों मुकाबला लखनऊ के मैदान में था, जाहिर सी बात है लखनऊ का पलड़ा भारी पड़ना ही था। लेकिन गुजरात की टीम भी बैक टू बैक मैचेस हार कर आ रही है, इसलिए उनके पास भी जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है और यहाँ भी अच्छी किस्मत वाले हार्दिक पांड्या को मिल जाती है पहले टॉस जीतकर कुछ चुनने की अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों पांड्या टीम के लिए पहले बल्लेबाजी चुनते हैं, लेकिन अफसोस आज टीम की शुरुआत वो नहीं होती जैसी वो चाहते हैं। दोस्तों टीम के खिलाड़ी दमदार बल्लेबाज शुभमन गिल शून्य पर ही आउट हो गए। हाँ रिद्धिमान साहा ने थोड़ा दमखम जरूर दिखाया। इसके बाद दोस्तों रिद्धिमान साहा ने पांड्या के साथ मिलकर 37 गेंदों में वो 47 रन बनाए, जिसके चलते उनकी टीम थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ी। इन दोनों खिलाड़ियों की यही पारी दोस्तों 11वें ओवर तक तो कोई विकेट नहीं देकर गई थी और 11वें ओवर तक 70 रन भी स्कोरबोर्ड पर लग गए थे। यानी कि दोस्तों गुजरात की टीम को वो बैलेंस मिल गया था जो किसी भी टीम को स्टेबल होने के लिए मैदान में चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही रिद्धिमान साहा का विकेट गिरा कृणाल पांड्या के हाथों, इसके बाद तो दोस्तों अभिनव मनोहर 3 रन, विजय शंकर 10 रन और मिलर 6 रन पर आउट हो गए। बचे थे तो केवल एक हार्दिक पांड्या। एक अकेले हार्दिक पांड्या को कमजोर समझने की गलती आज लखनऊ कर बैठा, जिसके बदले में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 50 गेंदों में 2 चौके 4 छक्के जड़कर पूरे 66 रन बना दिए थे। पांड्या की यही 66 रन की पारी दोस्तों गुजरात की इज्जत को बचा गई और ले गई टीम को 135 तक। लेकिन विरोधी टीम को उसके घर में अगर 136 का लक्ष्य मिले तो दोस्तों ये तो बहुत ही नाइंसाफी होगी अगर वो ना जीत पाए तो। लखनऊ की टीम दोस्तों जैसे ही लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी तो शुरुआत जोरदार थी। कप्तान केएल राहुल टीम को जिताने के मूड से ही मैदान में आए थे। उन्होंने तो दोस्तों 50 जड़ा ही, साथ ही साथ काइल मेयर्स ने भी उनके साथ मिलकर एक तूफानी शुरुआत दिलाई। काइल मेयर्स हमेशा की तरह फॉर्म में नजर आए, 19 गेंद में 24 रन जड़ गए, 2 चौके 1 छक्का भी लगाया। इस बीच केएल राहुल भी धीमी लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 7 ओवर में टीम का स्कोर 60 के पार पहुंच गया था। एक विकेट गिरा काइल मेयर्स का, जिसको दोस्तों राशिद खान ने बोल्ड किया था। लेकिन फिर कृणाल पांड्या मैदान में आए और उन्होंने भी 23 गेंदों में 23 रन लगाए। 15वें ओवर तक दोस्तों कृणाल पांड्या भी फिर आउट हो गए थे, यानी कि 2 विकेट गिर गए थे 15वें ओवर तक और 110 पर आते आते 203 विकेट गिर गए थे। लेकिन जीतने के लिए अभी भी कुछ ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, इसलिए लखनऊ की टीम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रही थी। ऊपर से दोस्तों इसी बीच केएल राहुल का 50 भी पूरा हुआ। एक छोर से विकेट गिर रहे थे तो एक छोर से केएल राहुल ने एक सिंगल मैन शो दिखाते हुए लगभग 42 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों मुकाबला धीमी गति से अंतिम ओवर की तरफ बढ़ रहा था और अब 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे, जिसके बाद शमी गेंदबाजी कराने आते हैं और 5 रन देकर जाते हैं। अब दोस्तों जीतने के लिए इस रोमांचक अंतिम ओवर में चाहिए थे 12 रन, यानी कि 6 गेंदों में 12 रन मोहित शर्मा गेंदबाजी कराने आए। दोस्तों पहली गेंद पर 2 रन मिल गए। इसके बाद अगली गेंद पर जो हुआ उसे देखकर तो दोस्तों गौतम गंभीर ने भी अपने कान पकड़ लिए थे। दोस्तों गौतम गंभीर के सामने जिताने वाले खिलाड़ी केएल राहुल क्या खड़े हुए, उन्होंने तो उनका ही विकेट ले लिया। 61 गेंद पर 68 रन लगा चुके केएल राहुल इससे पहले कि कुछ कर भी पाते, मोहित शर्मा ने उन्हें जयंत यादव के हाथों एक स्लो सीमर गेंद पर कैच आउट करा दिया। ये विकेट दोस्तों गुजरात की टीम के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता और लखनऊ की टीम के खिलाफ एक बहुत बड़ा झटका थी। 4 गेंद में जीतने के लिए अब 10 रन चाहिए थे, सस्पेंस वाकई में बढ़ चुका था। और दोस्तों केएल राहुल का विकेट लेने के बाद मोहित शर्मा ने वो चमत्कार आज करके दिखा दिया जो शायद बड़े से बड़े दिग्गज क्रिकेट की दुनिया में नहीं कर पाते। दोस्तों जीतने के लिए चाहिए ही कितने रन थे, 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, वो भी इतने छोटे टोटल पर। दोस्तों स्टोइनिस मैदान में आ चुके थे। ये ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कितना खतरनाक है शब्दों में बताने की आपको जरूरत नहीं। दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद पर ही, इससे पहले कि स्टोइनिस मैदान में कुछ हरकत भी कर पाते, एक बार फिर से एक धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन पर दोस्तों स्टोइनिस को कैच आउट करा दिया मिलर के हाथों इस खिलाड़ी ने। 2 गेंदों में 2 विकेट जब हो जाएं और दोस्तों मुकाबला अंतिम ओवर का हो तो खिलाड़ियों की सांसें वैसे ही अटक जाती हैं। कहने को तो मैदान में दोस्तों दीपक हुड्डा आए थे, कितने उम्दा खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम में भी खेलते हैं, लेकिन आज इनके भी सांस फूल गए मोहित शर्मा के सामने। हैट्रिक बॉल पर थे दोस्तों मोहित शर्मा और जैसे हुड्डा को उन्होंने गेंद डाली तो 1 रन तो पूरा हो गया, लेकिन एक और रन चुराने के चक्कर में आयुष बदौनी साहब आउट हो गए।
जी हाँ दोस्तों, चौथी गेंद पर भी रन आउट हो गया और पांचवी गेंद पर जो हुआ वो सुनकर शायद आपकी भी मोहित शर्मा के लिए इज्जत दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों दीपक हुड्डा भी आउट कर दिए गए अगली गेंद पर, यानी कि दो गेंदों में दो रन आउट हो जाते हैं और अंतिम गेंद पर जीतने के लिए 8 रन चाहिए थे, जिसके बाद दोस्तों मोहित शर्मा अपनी इसी ताबड़तोड़ गेंदबाजी से एक भी रन नहीं देते और जीत जाती है गुजरात की टीम 7 रन के अंतर से। दोस्तों ये थी पावर मोहित शर्मा की गेंदबाजी की। कहने को भले ही दो विकेट लिए लेकिन टेक्निकली 4 गेंदों में 4 विकेट लिए इस खिलाड़ी ने, अगर रनआउट को गिना जाए तो, और इन्होंने ही पूरे मैच को जिताया है। जरा सोचिए दोस्तों, अंतिम ओवर में ये टीम 7 रन के अंतर से जीत गई, ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। और इतनी बुरी हार के बाद केएल राहुल और पूरी टीम का मजाक बन चुका है, जिसके बाद केएल राहुल बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है। अपने बयान में राहुल ने हार का ठीकरा किस पर फोड़ा है, पांड्या मोहित शर्मा पर क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल ने अपने बयान में कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस हार को बयान करने के लिए। जब हमारे गेंदबाजों ने गुजरात की टीम को 134 पर रोका तो मुझे लगा हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसी ब्रिलियंट गेंदबाजी से ही तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बटोर सकते हैं। परंतु मुझे क्या पता था आज बल्लेबाजी के कारण हम ना सिर्फ मुकाबला हारेंगे बल्कि हमारे हाथ से 2 पॉइंट्स भी निकल जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब कैसे हुआ है, हमारी टीम कैसे इतनी जल्दी अपने विकेट्स गंवा गई और इतने छोटे लक्ष्य को भी अपने होम ग्राउंड में हारी है। खैर ये गेम क्रिकेट का है, जो परफॉर्म करेगा अच्छा वही जीतेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि मोहित शर्मा का वो ओवर बहुत ज्यादा मैच टर्निंग था, रिवॉल्यूशनरी था, और उसी ओवर के चलते हम इस मुकाबले को भी हार गए। साथ ही हमें बाकी खिलाड़ियों के विकेट तो मिले, केवल हार्दिक पांड्या का नहीं मिल पाया। अगर वो विकेट मिलता तो शायद रन और भी ज्यादा कम बनते और हम आसानी से मैच को जीत सकते थे। लेकिन हार और जीत केवल खेल का हिस्सा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले मैच में जीतकर हम कमबैक करेंगे। दोस्तों केएल राहुल हार के बाद बौखलाए हुए से नजर आए थे, लेकिन हार का सारा ठीकरा इस खिलाड़ी ने फोड़ा है हार्दिक पांड्या और मोहित शर्मा के सर पर। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।